रद्द कर दिया, जिसने 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की, और जिसने जो जजेस रिक्यूज कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की, और सियासी पार्टीज को बावजूद इस बात के कि एक से ज़्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वो सारे हालात हैं और वाकयात हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, मगर कल इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक 10 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन के हवाले से फंड्स मुहैया करने हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है फंड्स की अदायगी के हवाले से। मैं तफसील में नहीं जा रहा, फैसले में लिखा है कि पूरी की पूरी रकम या इन पार्ट्स, वो एक अलहदा बहस है, वो हम उसके ऊपर लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात इसमें कर रहे हैं। दूसरी बात जो इस 3 रुकनी बेंच ने की है वो ये है कि 17 अप्रैल तक जो पंजाब को सिक्योरिटी मुहैया करनी है पुलिस के हवाले से इलेक्शंस के दिन, और जो अमला है उनकी सिक्योरिटी जो भी है, और वफाक ने जो फौज और रेंजर्स मुहैया करनी है उस हवाले से 17 अप्रैल तक हतमी रिपोर्ट वो पेश की जाएगी बजरिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और केपी के हवाले से इस फैसले में 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि वो मुतलका इदारों में रजू कर सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यह है खुलासा कल के फैसले का। तो कल हमारी बाकायदा मीटिंग हुई काबीना की और उसमें बड़ी तफसील से बात हुई, उसके बाद फिर इजलास हुआ नेशनल असम्बली का, जिसमें आगाज़ जनाब लॉ मिनिस्टर ने बड़ी मुदल्लल तकरीर की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने की, मौलाना असद साहब ने की, शहरी रहमान साहिबा ने, इन चारों स्पीकर्स ने बहुत उम्दा बातें की। आज फिर इजलास है, आज भी हमने स्पीकर्स वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, कल भी इजलास होगा। तो ये है वो सूरत हाल जिसकी बिना पर आपको आज फिर हमने ज़हमत दी है तमाम कायदीन को और ज़ुमा को, ताकि मशावरत के बाद एक जो इज्तमाही सोच है उसकी अक्कासी करते हुए हम ठोस फैसले करें, ताकि पूरी कौम को इल्म हो कि ये जो आईन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है और कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, इस बारे में हकूमती जो कोलिशन है उसकी आज एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए। इसलिए आपको आज सबको मैंने फिर ज़हमत दी है, मैं बहुत एक मरतबा आपका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास से ख़िताब कर रहे थे, उनका ये कहना।